दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि आज के टाइम में रो वर्सेस स्मैकडाउन में से कौन सा ब्रांड तगड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित। तो आज के वीडियो में हम फिर से बात करेंगे रो वर्सेस स्मैकडाउन के बारे में कि इन दोनों में से कौन सा ब्रांड तगड़ा है। दोस्तों मैंने इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो बना रखी है जो कि इस वीडियो का पार्ट वन है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कुछ ज्यादा ही खास, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मंडे नाइट रो के बारे में। तो रो ब्रांड में हमें जो टॉप स्टार देखने को मिलते हैं वो है सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल, रैंडी ओटन, ड्रू मैकइंटायर, बॉबी लेस्ली, केविन ओवंस, एलिस्टर ब्लैक, रे मिस्टीरियो और द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर, जो वाकई में आज के टाइम के काफी तगड़े सुपरस्टार हैं, जो आज के टाइम में काफी तगड़े और ड्रीम मैच भी दे सकते हैं। बस इनको जरूरत है एक अच्छी बुकिंग की और एक अच्छी स्टोरी लाइन की। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है स्मैकडाउन ब्रांड की, तो स्मैकडाउन ब्रांड में हमें जो टॉप स्टार देखने को मिलते हैं वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन, द फीन्ड ब्रे वाइट और द बिग डॉग रोमन रेंस। इसके अलावा दोस्तों जहां बात आती है बैरन कॉर्बिन और शिंसुके नाकामुरा की, तो ये आज के टाइम के काफी तगड़े हील सुपरस्टार है, लेकिन इनकी फाइट देखते समय मैं बोर हो जाता हूँ। और जहां बात आती है रो ब्रांड की, तो रो ब्रांड में समुआई जो और रूसव अपने टाइम के काफी तगड़े सुपरस्टार है, लेकिन आज के टाइम में इनकी फाइट भी काफी बोरिंग होती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है वो कौन से सुपरस्टार है जिनकी फाइट देखते समय आप बोर हो जाते हो, वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें टैग टीम के बारे में, तो रो ब्रांड में हमें टैग टीम के रूप में ओसी, एओपी और वाइकिंग राइडर जैसे सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, जिनमें से ओसी और एओपी वाकई में आज के टाइम की काफी तगड़ी टैग टीम है। लेकिन जहां बात आती है स्मैकडाउन ब्रांड की, तो स्मैकडाउन में हमें टैग टीम के रूप में द न्यू डे, रूड जिगलर, हैवी मशीनरी और द रिवाइवल जैसे सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, जिनमें से द न्यू डे और हैवी मशीनरी के मैच काफी शानदार होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मिड कार्ड की, तो रो और स्मैकडाउन में हमें रिकोसेट, हम्बर्टो कैरिलो, मुस्तफा अली, सिजारो, सोटी जी और बड़ी मर्फी जैसे सुपरस्टार देखने को मिलते हैं। और जहां बात आती है डैनियल ब्रायन और द मिज की, तो ये अपने टाइम के काफी तगड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन आज के टाइम में इन्हें मिड कार्ड में रखना ही बेहतर होगा। दोस्तों अब बात ये आती है कि रो वर्सेस स्मैकडाउन में से कौन सा ब्रांड तगड़ा है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सीमस, जॉन मोर्सन, लार्स सुलेवान और सीएम पंक के बारे में, जो जल्दी ही हमें रो और स्मैकडाउन में देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आने वाले टाइम में हमें स्मैकडाउन में सीमस जैसा सुपरस्टार देखने को मिलेगा, तो रो ब्रांड में हमें सीएम पंक जैसा तगड़ा सुपरस्टार देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई चाहता है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस और सीएम पंक वर्सेस एजे स्टाइल के बीच में एक ड्रीम मैच। इसके अलावा दोस्तों स्मैकडाउन ब्रांड में पहले से ही ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फीन्ड जैसे खतरनाक मॉन्स्टर है, तो लार्स सुलेवान के काफी ज्यादा चांसेस है रो ब्रांड में जाने के, क्योंकि रो ब्रांड में एक ही मॉन्स्टर है और वो है एरिक रोवन। इसके अलावा दोस्तों सीएम पंक अगर रो ब्रांड में जाता है, तो जाहिर सी बात है स्मैकडाउन में हमें जॉन मोर्सन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्मैकडाउन में द फीन्ड एक ऐसा सुपरस्टार है जिसकी फाइट हमें या तो ऑफ एयर देखने को मिलती है या फिर किसी बड़े मेन इवेंट में देखने को मिलती है, वरना स्मैकडाउन में हमें द फीन्ड की हल्की फुल्की झलक देखने को मिलती है। और जहां बात आती है ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंज के, तो ये वो सुपरस्टार है जिनके दम पर आज के टाइम में स्मैकडाउन टिका हुआ है। खास तौर से द बिग डॉग रोमन रेंज एक ऐसा सुपरस्टार है जिसके बिना स्मैकडाउन अधूरी है, क्योंकि आज के टाइम में लोग स्मैकडाउन सिर्फ रोमन रेंज की वजह से देखते हैं। लेकिन जहां बात आती है रो ब्रांड की, तो आज के टाइम में रो ब्रांड में तगड़े सुपरस्टार काफी ज्यादा हैं। रो ब्रांड को जरूरत है सिर्फ एक अच्छी स्टोरी लाइन की, और आने वाले टाइम में सीएम पंक और लार्स सुलेवान जैसे तगड़े सुपरस्टार रो ब्रांड में आते हैं, तो रो ब्रांड की व्यूवरशिप को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा सीमस और जॉन मोर्सन भी स्मैकडाउन की व्यूवरशिप को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जहां बात ये आती है कि रो वर्सेस स्मैकडाउन में से कौन सा ब्रांड तगड़ा है, तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में, अभी के टाइम में रो ब्रांड स्मैकडाउन ब्रांड के मुकाबले ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि रो ब्रांड में स्मैकडाउन ब्रांड के मुकाबले तगड़े सुपरस्टार की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।